पार्टी दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक खा रही है, आरक्षण पे हमला कर रही है, मुसलमान भाइयों पे अनर्गल मुकदमे दर्ज कर रही है, उनके घर गिरा रही है, इन सारे अन्याय और अत्याचार को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। बूथ पे काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जोन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बूथ ही हमें जिताएगा। वहाँ से हमारे नौजवान साथी हर बूथ पे निरंतर पिछले 6 महीनों से लगे हुए हैं। जुट जाएं और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की हुकूमत को हटाने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करें और पूरे नौजवानों ने लब्बैक कहा इस पे और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने का निर्देश। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चारों फ्रंटल के साथ आज कार्यालय पर बैठक की है और जो यूथ लोहिया वानी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के तमाम पदाधिकारियों को पीडीए यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मूल मंत्री हमारे साथ वाहिनी युवक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या अखिलेश यादव ने क्या मूल मंत्री दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं से आज संवाद स्थापित किया है और जो युवाओं से जुड़ी समस्याएं संगठन से कुछ चीजें थी उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया है, क्योंकि लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज और बूथ वाइज, सेक्टर वाइज, जोन वाइज युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है, उस परिपेक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत ही तल्लीनता से सुना है और उसके निदान के लिए भी उन्होंने बातें बताई है और उन्होंने कहा है कि जो ये पीडीए है, जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक खा रही है, आरक्षण पे हमला कर रही है, मुसलमान भाइयों पे अनर्गल मुकदमे दर्ज कर रही है, उनके घर गिरा रही है, इन सारे अन्याय और अत्याचार को लेकर के लोगों के बीच में जाना है और जो दलित, पिछड़े और मुसलमान लोग हैं उनको जोड़ करके और जो समाजवादी विचारधारा के हैं उनको जोड़ करके एक बड़ा लंबा कारवां बनाना है, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठा प्रचार कर रही है मीडिया के माध्यम से उसको पराजित किया जाए और पीडीए की जीत हो। और उन्होंने कहा है कि जो मीडिया के लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे भी सजग रहने की जरूरत है। एक चीज और है, जैसे कांग्रेस के जो यूथ है वो तमाम मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, एग्जाम को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आप लोगों का जोश क्या कम हो गया है क्या? अपनी बात आप कब रखेंगे? ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है, कब हमें आंदोलन करना है, कब हमें बूथ पे काम करना है। अभी ये चुनाव का समय है तो हम बूथ पे काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जोन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बूथ ही हमें जिताएगा। वहां से हमारे नौजवान साथी हर बूथ पे निरंतर पिछले 6 महीनों से लगे हुए हैं, सेक्टर, जोन और बूथ। ये समय बूथ को मजबूत करने का है। आंदोलन तो हमारा इतिहास रहा है, समाजवादी पार्टी संघर्ष और आंदोलन की पार्टी है और जो जहां सारी पार्टियां चुप रही हैं समाजवादी पार्टी लड़ती रही है। आज उत्तर प्रदेश में यदि कोई लड़ रहा है तो समाजवादी लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने आज चारों फ्रंटल के साथ बैठक की है तो क्या सबको अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि सबको एक साथ? सबको अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई? हम लोगों को, चारों यूथ के अध्यक्षों को और चारों राष्ट्रीय अध्यक्षों को, वो स्ट्रेटजी अभी हमें ओपन नहीं कर सकता, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं लोकसभा में, विधानसभा में, जोन और सेक्टर बांट करके उनको जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। कई विधायक आपके पार्टी से चले गए हैं तो इससे आपकी जो पार्टी है थोड़ी बहुत क्या कमजोर होगी, क्या इसे मजबूत करने के लिए आप लोग किस तरीके से? देखिए, एक पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को खरीदना चाहती है और उन विधायकों, जो विधायक गए हैं उन्होंने जनतंत्र का अपमान किया है। उनको वोट मिली थी तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वोट मिली थी, समाजवादी विचारधारा की वजह से वोट मिली थी, और जो चले गए हैं ऐसे बहुत लोग आते जाते रहते हैं। ये लाखों करोड़ों नौजवानों की जो आस है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में, ये समाजवादी विजन है। वो जो गए उनके अंदर कोई विजन नहीं था, वो लाभ के लिए गए हैं, वो कोठी के लिए गए हैं, पद के लिए, मंत्री के लिए गए हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट नहीं गया है, व्यक्ति गया है और विचारधारा और जो जनाधार है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो है युवा वाहिनी, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड के तमाम जो पदाधिकारी हैं सबसे अखिलेश यादव ने बैठक की और बात की है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी जानेंगे कि हमारे साथ यूथ प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड के, इनसे भी जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ निर्देश दिया आपको। देखिए, तमाम नौजवानों को, पूरे उत्तर प्रदेश के चारों विंगों के नौजवानों को निर्देश दिया है कि वो जाकर के बूथ पर जिस तरह से लगातार 6 महीने से काम कर रहे हैं उसी तरह से और मेहनत के साथ और ताकत के साथ और संघर्ष करके बूथ पर जुट जाएं और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की हुकूमत को हटाने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करें और पूरे नौजवानों ने लब्बैक कहा इस पे और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने चारों फ्रंटल को क्या अलग अलग निर्देश दिया है कि एक साथ किसी? हम लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल हैं, बूथ लेवल पर दी गई हैं, उसको सामाजिक तौर पर नहीं बताना है, लेकिन हम लोगों को हर बूथ पर, हर नौजवान को, हर विधानसभा में, हर जिले की हर विधानसभा में हर नौजवान को कुछ न कुछ बूथ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थे हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी। आज अखिलेश यादव ने चारों जो यूथ के फ्रंटल हैं सबके साथ बैठक की और सभी को पीडीए के तहत गांव-गांव तक, जन जन तक, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। आसिफ खान, न्यूज 4 नेशन, लखनऊ।